अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू zions.com। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। इसके लिए आपको कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। वर्डप्रेस में दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, एक थीम्स, दूसरा प्लगइन्स। थीम्स फ्रंट एंड होता है, वर्डप्रेस की वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है वो थीम्स होता है। जो एंड यूज़र को नज़र आता है, जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, जो उसको नज़र आता है वो आपका थीम होता है। ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्री और पेड थीम्स वर्डप्रेस के लिए अवेलेबल हैं। आप वर्डप्रेस की वेबसाइट की पूरी लेआउट एक क्लिक में चेंज कर सकते हैं। आप एक क्लिक करेंगे, थीम चेंज होगा, पूरी वेबसाइट की लेआउट चेंज हो जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट है वर्डप्रेस में प्लगइन्स का। प्लगइन्स एडिशनल फंक्शनैलिटीज के लिए यूज होते हैं, जैसे पॉपअप्स वगैरह। प्लगइन्स की भी मेन दो टाइप्स हैं, एक बैकएंड प्लगइन्स, दूसरा फ्रंट एंड प्लगइन्स। बैकएंड प्लगइन्स वो हैं जो फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होते हैं, जैसे आपने कंप्रेस करना है अपनी फाइलों को। और फ्रंट एंड प्लगइन्स वो हैं जो आप फ्रंट एंड में फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए करते हैं, जैसे पॉपअप प्लगइन्स। जैसे थीम्स वर्डप्रेस के बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, वर्डप्रेस के प्लगइन्स भी फ्री और पेड बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आपको वर्डप्रेस क्यों यूज़ करना चाहिए? एक तो सबसे ज़्यादा कि ये इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली बहुत ज़्यादा, क्विक टू स्टार्ट है। ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा ऑनलाइन वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनी हुई हैं। हर किस्म की वेबसाइट के लिए थीम मौजूद है, और अगर कोई फंक्शनैलिटी आपको एडिशनल रिक्वायर्ड है तो उसके लिए प्लगइन भी मौजूद होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने देखा कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस में थीम्स क्या होते हैं और प्लगइन्स क्या होते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।